बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त को लेकर एक बहुत ही बुरी खबर सामने आ रही है, जिसको जानकर ना सिर्फ फैंस बल्कि संजय दत्त भी उदास हो गए। हेलो एवरीवन, बायोग्राफीज केव में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, संजय दत्त को लेकर एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसको जानकर आप सभी लोग हैरान रह जाएंगे। फिल्म सन ऑफ सरदार तो आप सभी को याद ही होगी, जो कि काफी ज्यादा वायरल रही थी। इस फिल्म में लीड रोल में नजर आए थे अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा, लेकिन इनके अलावा इस फिल्म में सबसे दमदार करेक्टर रहा संजय दत्त का। इनके इस करेक्टर को बहुत ज्यादा पसंद किया गया और इन्होंने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई। अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय अदाकार यानी खलनायक संजय दत्त के फिल्मी करियर को किसी की नजर लग गई है। ये अपनी ही फेमस फिल्म के पार्ट 2 से आउट हो गए। संजय दत्त सन ऑफ सरदार का हिस्सा नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, भारती मेकर्स के अनुसार फेमस मूवी सन ऑफ सरदार का पार्ट 2 आने वाला है। इसके पार्ट 2 की शूटिंग की शुरुआत हो चुकी है और इस समय इसकी शूटिंग स्कॉटलैंड में की जा रही है, लेकिन संजय को इस फिल्म की स्क्रिप्ट से निकाल दिया गया। आखिर इसकी वजह क्या रही, आइए आपको बताते हैं। बता दें कि साल 1993 में जेल जाने की वजह से ब्रिटानिया के वीजे के लिए संजय दत्त की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया और वीजे की वजह से इन्हें इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनाया गया। फैंस इस बात को लेकर बेहद उदास हैं। बता दें कि ये फिल्म कॉमेडी एक्शन थी जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल रही। इस फिल्म में सलमान खान भी नज़र आए थे और सबसे ज़्यादा इस फिल्म में संजय दत्त के करेक्टर को पसंद किया गया था। मगर अब ये अफसोसनाक खबर सामने आई है कि संजय दत्त को ही इस फिल्म के सेकेंड पार्ट से निकाल दिया गया है, वो भी सिर्फ वीज़ा ना मिलने की वजह से। आप इस बारे में क्या कहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल बायोग्राफीज केव को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो देखते रहिए बायोग्राफीज केव।